नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिकल जानकारी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में। दोस्तों अगर आपने इसके बारे में नहीं भी जाना होगा, लेकिन आजकल आप इसके बारे में बहुत ज़रूरी जानते ही होंगे, क्योंकि कोरोना काल में दोस्तों इसकी बहुत ज़्यादा खपत होती है। ये एक पल्स ऑक्सीमीटर है जिससे आप ऑक्सीमीटर को अपना लेवल चेक कर सकते हैं। एक ईजिली मेथड होता है यहाँ से फिंगर वगैरह को डालने से, और आपको मैं आपको इसके साथ साथ आपको इसका टेस्ट भी बताऊँगी कैसे आपने इसको टेस्ट करना है, और आपको बॉडी का जो लेवल होता है, ऑक्सीजन का लेवल होता है कितना होना चाहिए नॉर्मल रेंज, जिससे आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, कितने डाउन पे आने के बाद आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए, और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं अगर आपका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाए, तो कम्प्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। बने रहे हमारे वीडियो के साथ। दोस्तों अभी तक आपने मेडिकल जानकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। दोस्तों ऑक्सीजन का स्तर जो होता है हमारी बॉडी में, यह बताता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन खून के माध्यम से कितना सर्कुलेट होता है, और ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो बहुत ज़रूरी होते हैं। ये फेफड़ों से ऑक्सीजन लेते हैं और उसे हमारे शरीर की हर कोशिका या सेल्स में पहुंचाने का काम करती है। सेल्स को ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ज़रूरी होना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब भी सेल्स को ऊर्जा ज़रूरत होती है तो उसको ऑक्सीजन की बहुत आवश्यकता होती है। इसमें नॉर्मल रेंज क्या होता है, यानी हेल्थ पर्सन की एक नॉर्मल अवस्था कितनी होनी चाहिए ऑक्सीजन की, तो लगभग 75 से 100 मिलीमीटर इसकी ऑक्सीजन रेंज होनी चाहिए। कई लोग आजकल घबरा के रहे हैं कि 75 भी 78 भी चलेगी तो बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, ऐसा आप लोग घबराहट नहीं है। घबराने की बात आपको तब है जब आपका 60 मिलीमीटर से ऑक्सीजन लेवल जा रहा है या फिर उसे डाउन हो गया है, एकदम से डिक्रीज हो रहा है, तब आपको घबराने की टेंशन है। वैसे आजकल ये ऑक्सीमीटर बहुत ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं, 600 से 700 के आते थे, लेकिन अब 2000 रुपये के मिल रहे हैं, और ये मार्केट में भी बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो रहे हैं। आजकल बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो रही है इनकी। तो आप जो होता है दोस्तों ऑक्सीमीटर, दो तरीके से आप इसमें टेस्ट कर सकते हैं। एक तो होता है ये पल्स ऑक्सीमीटर के तरीके से, ये नॉर्मल सी छोटी सी मशीन होती है, आपको मेडिकल्स वगैरह में इजीली मिल जाएगी और ऑनलाइन साइट पे भी ये अभी अवेलेबल होता है। इससे क्या होता है, ये तो एक अनुमानित बताता है दोस्तों, आपको नॉर्मल ही बताता है कि आपका ऑक्सीमीटर इतना है, लेकिन दूसरा जो मेथड होता है वो एक्यूरेट होता है, APG टेस्ट होता है जो ब्लड के द्वारा होता है टेस्ट। यहाँ से कलाई से उसका ब्लड लिया जाता है और टेस्ट किया जाता है लैब में, वो एक एक्यूरेट ऑक्सीजन लेवल बताता है जिससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। ये एक अनुमान के लिए होता है, आप इसको इजीली घर में हैंडी कर सकते हैं या फिर कैरी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी यूज़ है और कोई घबराने की बात भी नहीं होती इसके साथ। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए तो, या फिर ऑक्सीजन लेवल कम होने पे क्या क्या बीमारी के संकेत देखने को मिल सकते हैं, कोरोना तो दोस्तों है ही एक जो आजकल की महाबीमारी को माना जाता है, जो इसके बाद जो आते हैं हार्ट अटैक वगैरह या फिर ब्रेन हैमरेज वगैरह हो सकता है, डाउन होने पे दोस्तों थायराइड वगैरह को प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है आपका तो बिना ऑक्सीमीटर वगैरह या फिर ब्लड टेस्ट के कैसे आप पता कर सकते हैं, इसमें आपको थकान वगैरह होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, सीने में दर्द वगैरह, जलन वगैरह हो गया, बेचैनी घबराहट होती है, और चेस्ट पेन, सिर दर्द, चक्कर आना जैसे ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। इसको आपने टेस्ट कैसे करना है दोस्तों, ये अपने फिंगर में नॉर्मली इसको यहाँ से, ये एक चिमटी की तरह होता है, इसमें ऐसे प्रेस करना है, और यहाँ पर जो होता है इसके अंदर की तरफ एक सेंसर होता है जिसको आप देख रहे होंगे, ये जो आप देख रहे होंगे व्हाइट से कलर का है, इस पर आपने ये वाली फिंगर जो है इस तरीके से इसमें प्रेस करनी है और छोड़ देना है, और ये वाला जो बटन है इसमें दोस्तों, ये जो बटन देख रहे व्हाइट वाला, इसको प्रेस कर लेना है तो ये स्टार्ट अपने आप ही हो जाएगा, और आपको फीलिंग भी हो जाना कि ये कैसे कैसे इसका धक धक होना शुरू हो जाता है, तो ये कुछ ही सेकंड में आपका ऑक्सीमीटर या ऑक्सीजन लेवल चेक करना शुरू कर दिया। देखिए आप, इसमें आपको दिखा रहा होगा 97 के करीब ये ऑक्सीजन लेवल मेरा दिखा रहा है, यानी एक नॉर्मल रेंज है। तो इसका यही एक मेथड होता है, छोटा सा मेथड होता है, इसको ऑक्सीजन लेवल आप कंटिन्यू चेक कर सकते हैं। ये एक अनुमानित है, हो सकता है मेरा इससे ज़्यादा भी ऑक्सीजन लेवल हो, लेकिन मेरा इतना ही लगभग 97-98 के करीब जाता है, तो बिल्कुल हेल्थी है, बिल्कुल ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और ऑटोमेटिक कट होता है जैसे फिंगर आउट की आउट हो जाती है, बताता है आपकी फिंगर आउट हो गई है, और कुछ ही सेकंड के बाद ये अपना आप ही टर्न ऑफ हो जाता है। तो ये देखिए इस तरीके से टर्न ऑफ होता है, और आपको मेडिकल्स वगैरह में इजीली या फिर सर्जिकल वगैरह में ऑनलाइन साइट पे भी अवेलेबल होता है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जो एक बेस्ट पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये था कुछ दोस्तों पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में कंप्लीट जानकारी।
कैसे आपने इसका यूज़ करना है वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों इसमें जो पीछे की तरफ होती है, यहाँ इस पर बैटरी लगी रहती है पीछे की तरफ, तो हो सकता है जब कभी डाउन हो जाए तो आप इसको चेक कर सकते हो। और इसमें अलग अलग मोड्स भी आते हैं अप डाउन देखने का या फिर आगे पीछे उसको करने का। तो कम्प्लीटली जानकारी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ डाउट रह गया हो या फिर कुछ छूट गया हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे पर्सनली क्वेश्चन करने के लिए आप मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ। ओके बाय, टाटा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।